आप देख सकते हैं। और ये जो इस वक्त G7 समिट चल रही है उसके साइडलाइंस पर ये जो मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मौजूद है। अरुण, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण, क्या जानकारी देंगे? देखिए, महत्वपूर्ण इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि मोदी 3.0 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली फॉरेन विजिट और उस पर भी जो पहली बायलेटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं वो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में है, तो ये अपने आप से दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में के रिश्ते में कितनी प्रगाढ़ता है। इस बात को हम जानते हैं, एक तो हम इस बात को भी जानते हैं कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रेंच लीडरशिप कई सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के साइडलाइन पर मिल चुके हैं। और अगर इस बात को हम रिकॉल करें कि हाल ही में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों इंडिया में आए थे तब हमने उनकी काफी बेहतरीन केमिस्ट्री भी देखी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस कोऑपरेशन हो। 2023 के अंदर ही भारत और फ्रांस की जहां तक बात की जाए तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल भी भारत और फ्रांस ने पूरे किए थे, तो ये काफी एक तरह से महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। फ्रांस के लिहाज साहब आप उसको इस तरह से भी समझिए कि जो उनका जो हाइएस्ट अवार्ड होता है, जो जो ऑर्डर ऑफ लीजन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था फ्रांस के द्वारा। दिखाता है कि किस तरह से गर्म जोशी भरा रिश्ता है भारत और फ्रांस का और एक बेहतरीन केमिस्ट्री भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहली बायलेटरल है प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रों की, मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की फर्स्ट फॉरेन विजिट के अंदर, ये अपने में दर्शाता है कि ऐसे भारत और फ्रांस एक तरह से इस रिश्तों को, बायलेटरल रिश्तों को ऐसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। और कई सारे मुद्दों पर दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई है। G7 एक पावरफुल ग्रुपिंग है, उसके साइडलाइंस में फ्रेंच लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होना अपने आप में दर्शाता है कि कई सारे मुद्दों पर भारत और फ्रांस एक तरफ से आगे आएंगे और एक तरफ बायलेटरल रिश्तों को तो आगे लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हाँ और कई सारे जो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं उन पर भी उनका एक तरह से फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं बैठक प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रों के बीच में। जी निश्चित तौर पर, जो जिस तरह से आपने जो द्विपक्षीय संबंधों की बात कही उनको एक स्टेप और फर्दर लेकर जाएगा, साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रों के साथ जिस तरह से प्रगाढ़ रिश्ते शेयर करते हैं, जो तस्वीरें हम अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं वो अपने आप में सारी तस्वीर, सारी कहानी बयां करती है। किस तरह से जो निजी रिश्ते हैं उनको भी आप बताएंगे, उनके विषय में भी आप बताएंगे कि किस तरह से वो दोनों देशों के बीच के जो रणनीतिक कूटनीतिक संबंध हैं उनमें बड़ा मायने रखते हैं और ये जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको एक स्टेप फर्दर ले जाने में और मायने रखेंगे। देखिए, आपने जहाँ तक पर्सनल केमिस्ट्री की बात की तो आपको ये भी याद होगा निखिल कि जो फ्रांस का जो बैस्टिल डे था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो ये भारत के लिए बड़े सम्मान की बात थी। और जाहिर सी बात है जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो ऑर्डर ऑफ लीजन है जो कि फ्रांस का एक तरह से सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उससे नवाजा था, तो ये अपने आप में दर्शाता है, जताता है, दिखाता है कि कैसे दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही लीडरशिप के बीच में बेहतरीन रिश्ते हैं। दूसरा तक डिफेंस की बात आती है कि भारत बहुत कुछ फोकस कर रहा है, तो डिफेंस की बात आती है तो क्योंकि भारत में एक तरह से मेक इन इंडिया पे फोकस है, कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर हो सके। हम इस बात को जानते हैं कि पास्ट में भी भारत ने फ्रांस के साथ में कैसे डिफेंस जो वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रोक्योर किया है और कई सारी पार्टनरशिप की है डिफेंस को लेकर के, तो सर स्पेस में भी काफी बेहतरीन कोलैबोरेशन किया है भारत और फ्रांस ने। और जाहिर सी बात है जैसे स्किल मोबिलिटी की बात हो, स्किल्ड मैन पावर मोबिलिटी की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की बात हो, वहाँ भी भारत और फ्रांस के बेहतरीन साझेदारी दिखाई देती है। लेकिन हाँ, ये बायलेटरल मीटिंग जो सबसे पहली आप कह सकते हैं मोदी 3.0 के अंदर महत्वपूर्ण इसलिए कही जा सकती है क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन विजिट है मोदी 3.0 के अंदर, वहाँ पहली बायलेटरल जो मीटिंग है वो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में है। जाहिर सी बात है इसका सर विजन, इंटेंट कैसे यहाँ से दोनों देशों के रिश्तों को और आगे लेकर के जाना है, क्योंकि भारत एक चीज को लेकर के आगे चल रहा है कि 2047 तक उसे विकसित भारत बनना है और कैसे भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए एक सहयोगी का काम कर सकते हैं जहां तक दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की बात हो, उन बातों पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो G7 समिट की साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली बायलेटरल मीटिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ में। जी जी जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर आप थोड़ा कम शब्दों में किस तरह से G7 का महत्व इस बार है और भारत की उपस्थिति लगातार हो रही है इसमें, किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की उपस्थिति G7, उसका महत्व कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को?
देखिए अगर शॉर्ट में समअप करना चाहें जैसा कि आप कह रहे हैं, तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है काफी हद तक डोमिनेट कर रही है G7 समिट को, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, गाजा की बात हो, बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो इमर्ज हो रही है उस लिहाज से G7 समिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी हम जानते हैं कि भारत एक वो देश है जो हमेशा इस बात की वकालत करता रहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में मसलों को सुलझाया जा सके और एक तरह से कैसे हम विकास की तरफ आगे बढ़ सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकें, क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर कैसे डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज एक साथ आ सके, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं G7 समिट के कुछ हेडलाइंस होंगी जो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन भारत की अहम भूमिका हो जाती है, वो इससे भी हो जाती है क्योंकि आप देखिए कि G7 की जो प्रेसिडेंसी है, यानी कि जो इटली के पास में है, उनकी जब लीडरशिप नमस्ते करके वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करती है तो ये बात को दर्शाता है कि जो भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो जब वैश्विक मोर्चे पर दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो विजन है वो भी कहीं ना कहीं रेप्लीकेट होता हुआ दिखाई देगा आपको ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी, भारत की लगातार उसमें उपस्थिति, और जैसा कि आपने कहा कि भारत का जो महत्व है वो थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए भारत ने कई सारे मुद्दों पर एक तरह से लीड किया है, देखो कि हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आउटरीच सेशन को, इन बायलेटरल मीटिंग्स के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी आउटरीच सेशन जो है उसको भी संबोधित करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह सकते हैं इस आउटरीच सेशन के, जिसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी और एनर्जी इन द होल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अफ्रीका और मेडिटेरेनियन। और अफ्रीका में हम जानते हैं कि G20 समिट के दौरान जो भारत में जो आयोजन हुआ था कितना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात थी कि कैसे आम सहमति बनाई गई और अफ्रीकन यूनियन एक तरह से G20 का जो मेंबर बना, तो दिखाता कि भारत का कितना एक बेहतरीन टेक रहता है, इंक्लूसिविटी का टेक रहता है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का टेक रहता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया था। वह जहां तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है वहां पे भारत देखिए स्ट्रॉन्ग लक्ष्यों को लेकर आगे चल रहा है, 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है जो कि कोई डेवलपिंग कंट्री से बड़े जो एम्बिशियस टारगेट है वो सेट नहीं कर रहा है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक बात की जाए जो कि एक प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रहेगा, तो उसमें भी भारत कई सारे अपने बातों को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रख चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि कैसे हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है AI को डील करने के लिए और AI को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उस दिशा में भारत की तरफ लोगों का रुख होगा बिकॉज UPI जैसी टेक्नोलॉजी को इतने इकोनॉमिकली लोगों तक पहुंचाना, लगभग 2 डजन देशों के अंदर आज UPI अवेलेबल है, तो एक दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर भारत बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इंक्लूसिव पे फोकस कर रहा है, तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रेजेंस है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और लोगों की निगाहें भी होंगी उसके ऊपर। जी निश्चित तौर पर आपने AI का जिक्र किया और बताया कि उसके फोकस एरियाज में से एक रहने वाला है और तमाम जो है फोकस एरियाज रहने वाले AI में को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं और खासतौर पर इसके स्याह और उजले पक्ष दोनों ही हैं। किस तरह से भारत से उम्मीदें की जा रही है, आपने कहा कि तमाम देशों में जो भारत का जो IT प्रोफेशनल्स हैं और जो IT हुनर है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, किस तरह से भारत से उम्मीदें इसमें इन सब चीज़ों को लेकर के? भारत की जितनी उम्मीदें हैं उतना एक तरह से वो लीड भी कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं AI को लेकर के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा कि जब बिल गेट्स के साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया जाए, सबको मुहैया कराया जाए, डेवलप इकोनॉमी ज्यादातर टेक्नोलॉजी को अपने पास रखती है, छोटे देशों को डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी को देने से कतराती है। लेकिन आपको याद होगा देखिए कोविड के अंदर जो कोविन ऐप बनाया था, भारत वो देश था जो कहता था कि हम लोग इसको ओपन सोर्स कर देते हैं, यानी कि इस कोविन ऐप को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसके कोड का इस्तेमाल करके, तो उसको ओपन सोर्स कर दिया गया था। UPI जैसी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में लगभग 2 डजन देशों के अंदर उपलब्ध है या इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे काम चल रहा है। फ्रांस की बात कर लीजिए, वहां पर अगर आप जाते हैं तो फ्रांस के अंदर भी आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये पावर ऑफ UPI है जो कि काफी इकोनॉमिकली मिल रही है ग्लोबली इस समय पर। तो ये दिखाता है कि भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि हम लोग को इंक्लूसिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। और AI का जहां तक सवाल है, इस समय पर काफी डिबेट और मंथन चल रहा है कि इससे जॉब लॉसेस होंगे, इससे वर्कफोर्स को डैमेज होगा, लेकिन हाँ कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट, स्किल अपग्रेडेशन, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग पे फोकस करते हुए कैसे AI के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे जो तमाम देश है वो एक तरफ आगे आ सकते हैं जिससे कि AI को एक तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके और उसके जो प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट निकल करके आता है, डीप फेक वीडियोज काफी सारे थ्रेट निकल करके आते हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सके, बिकॉज डीप फेक की जहां तक बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी इस बात को हाईलाइट किया था कि डीप फेक बहुत चैलेंजिंग हो सकता है और इसको अगर कंट्रोल करना है, लगाम लगानी है, तो बहुत जरूरी है कि तमाम देश
पेश आगे आ सके, फैक्ट चेक को दुरुस्त कर सके और एआई का ही इस्तेमाल करके कैसे हम बेहतरीन से काम कर सकते हैं, इस बात पर फोकस रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कई सारे मुद्दे हैं, बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक है डिस्कशन में आएगा, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक हो सकते हैं और भी रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं और सभी की निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस सेशन पर भी होंगी। ऑल्दो इस बात को हम जानते हैं कि जो जो सेशन होते हैं जिन सर की जो